स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और उसके बाद में क्लासिफिकेशन। आज हम देखेंगे कौन कौन से क्लास के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फीचर हैं वो पाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम साइकेडोफिलिकल्स क्लास से। तो साइकेडोफिलिकल्स जो क्लास है इसका दूसरा नाम होता है टेरिडोस्पर्मोपसिडा। टेरिडोस्पर्मोपसिडा है, इसके एक टर्म समझ में आ रहा है अपने को कि टेरिडोस्पर्म। टेरिडोस्पर्म जो है इसको अपन बोलते हैं सीड फर्न प्लांट है। कि साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मोपसिडा जो क्लास है इसके अंदर जो प्लांट आ रहे हैं वो सभी फॉसिल्स टाइप के हैं। यानी कि टेरिडोफाइट जो प्लांट थे वो फॉसिल हो गए थे और उनके अंदर सीड भी बनते थे। तो इन सभी प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म प्लांट के साथ में पढ़ते हैं। फिर आता है ये जो टेरिडोस्पर्मोपसिडा क्लास है इसके अंदर जो भी प्लांट आएंगे वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं लीव्स। देखें हम तो लीव्स जो है वो मेगाफिलस होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। अब देखिए पिन्नेटली जो कंपाउंड लीव्स हैं उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी लीव्स जिसके अंदर जो लेमिना है वो छोटी छोटी लीफलेट में डिवाइड हो जाता है। तो इस टाइप की लीव्स को हम बोल देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। जैसे हमने देखी होंगी ना आंवले की पत्तियां होती हैं, आंवले के अंदर जो लेमिना है वो छोटे छोटे लीफलेट में कन्वर्ट हो गया था, तो इस टाइप की लीव्स हमने को देखने को मिलती है। फिर आता है लीफ ट्रेस जो होता है लार्ज होता है। तो लीफ ट्रेस का मतलब देखिए अपन, लीफ ट्रेस क्या होता है वैसे कि जो स्टेम है स्टेम के ऊपर लीव्स लगी रहती हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर स्टेम का वैस्कुलर सिस्टम होगा, ऐसे ही लीव्स के अंदर भी वैस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, वैस्कुलर बंडल्स होंगे। तो जो कनेक्शन है ऐसा एरिया होता है लीफ ट्रेस जहां से स्टील का जो वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर सिस्टम है वो लीव्स के वैस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट रह पाता है, इस एरिया को अपन बोल देते हैं लीफ ट्रेस। क्लियर हुआ ये? फिर आता है जो जाइलम होता है प्राइमरी जाइलम वो मिजार्च टाइप का रहता है और जो सेकेंडरी जाइलम है वो थिन बोल वाले जो ट्रैकेट्स होती हैं उसमें और पेरेन्काइमेटा सेल्स उसके अंदर डिवाइडेड रहता है। यानी कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो थिन वोल्ड ट्रैकेट्स मिलेंगी और एक पेरेन्काइमेटा सेल्स मिलेंगे। आप देखें स्पोर जो है, स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, ये होगी स्पोरेंजिया। तो इसमें बहुत सारे स्पोर बने होंगे और जो स्पोरेंजिया होती हैं आपस में एग्रीगेट हो जाती हैं, एग्रीगेट होकर के एक ग्रुप बना लेगी और इस ग्रुप को अपन बोल देते हैं साइनेंजिया। फिर आते हैं सीड। सीड जो होते हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं और जो ऑर्थोट्रोपस जो सीड होते हैं वो साइकस जो होता है उसका मेन करेक्टर होता है। तो ये लगभग उसी के इक्वल सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ये सीड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर, कि ये जो क्लास है इसके अंदर कुछ ऑर्डर आते हैं। तो फर्स्ट एक ऑर्डर है लाइजिनोप्टेरिडेल्स। लाइजिनोप्टेरिडेल्स जो है इसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट मेंबर आते हैं जैसे हो गए लाइजिनोप्टेरिस। लाइजिनोप्टेरिस के कुछ करेक्टर देखें तो जो लाइजिनोप्टेरिस प्लांट है वो स्टेम फॉसिल्स होता है। कहाँ पाया जाता है? कोयल बोल्स में, जहां पर कोयला प्रेजेंट रहता है वहां पर पाया जाता है लाइजिनोप्टेरिस। इसके अंदर मिड में पिथ प्रेजेंट रहती है, ये हो गई पिथ। पिथ प्रेजेंट है मोनोस्टील, मोनोस्टील में भी कौन सा स्टीलर सिस्टम है? इसके अंदर साइफेनोस्टील होता है। लीफ ट्रेस भी पाया जा रहा है और जाइलम जो होता है वो मिजार्च टाइप का रहता है। लाइजिनोप्टेरिडेल्स जो ऑर्डर था उसके अंदर लाइजिनोप्टेरिस जो था उसको हमने देख लिया। फिर आता है दूसरा हेट्रेंजियम। जो हेट्रेंजियम है इसके अंदर हम कोर्टेक्स को देखें तो कोर्टेक्स जो होता है आउटर साइड में तो स्क्लेरेटिक जोन रहता है इसका और इनर साइड के अंदर पेरेन्काइमेटस जोन रहता है। और स्टील देखें तो स्टील का जो टाइप होता है वो प्रोटो स्टील होता है। जो लीफ ट्रेस होते हैं इसके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक जो करेक्टर्स को कवर किए थे वो ज्यादातर जो भी हम ऑर्डर देखेंगे आज उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ जो डिफरेंट हैं उनको हम रीड कर लेंगे। फिर बाद में आता है, इसके बाद दूसरा ऑर्डर आता है लाइजिनोप्टेरिडेल्स के बाद में ग्लोसोप्टेरिडेल्स।
ग्लोसोपटेरिडेल से जो ऑर्डर है इसके अंदर प्लांट मेंबर आता है उसका नाम है ग्लोसोपटेरिस। तो ग्लोसोपटेरिस जो प्लांट मेंबर है ये लीफ फॉसिल्स है, और इससे पहले हमने लाइजिनोपटेरिस देखा या हेटरेंजियम, ये होते हैं स्टेम फॉसिल। तो जो ग्लोसोपटेरिस है इसके अंदर जो लीफ देखें तो जो लीफ है ये टंग शेप्ड की रहती है, इसके बाद जो लीव जो है ये सेसाइल होती है। स्टोमेटा देखें तो हैप्लोचिलिक टाइप के होते हैं। हैप्लोचिलिक टाइप के स्टोमेटा क्या रहते हैं, ये बीच में रहती हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल्स के साइड में पाई जाती हैं सब्सिडरी सेल्स। तो जो डेवलपमेंट होता है ना स्टोमेटा का, तो उस टाइम पे जो गार्ड सेल्स होती हैं दोनों दोनों गार्ड सेल का डेवलपमेंट एक ही मदर सेल से होता है, तो इस टाइप के स्टोमेटा को बोल देते हैं अपन हैप्लोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। फिर देखें कि जो लीव्स है इसके अंदर जो मेजोफिल पाई जा रहा है, वो जो मेजोफिल है वो पैलिसेट टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसके अंदर ये डिवाइडेड रहता है। आज हमने कवर कर लिया साइकेडोफिलिकेल्स जो ऑर्डर था उसके अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो ऑर्डर है उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।